Hello, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start another chapter of our SST book by Brain Root series. The name of our book is Jelly Bean Journeys in Social Studies. और आज हम chapter number 11 start करेंगे. हमारे chapter का नाम है The World of Plants, पेड़ पौधों की दुनिया. चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं. सम एंड सब्सटेंस. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, इंपॉर्टेंट ऑफ प्लांट्स, टाइप ऑफ प्लांट्स, ट्री, शर्ब्स, हर्ब, क्लाइंबर और क्रीपर्स के बारे में. बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट वी विल डू वन एक्टिविटी. अनस्क्रैम्बल द नेम ऑफ दीज प्लांट्स. यहाँ पे कुछ प्लांट्स के नेम दिए हुए हैं, आपको उनको क्या करना है, अनस्क्रैम्बल करना है. जैसे पहली पिक्चर है रोज की, लेकिन वो नाम अलग अलग लिखा हुआ, लेटर्स जंबल्ड हो रखे हैं, आपको सही से उसका नाम लिखना है. सो दिस एक्टिविटी यू विल डू बाय योरसेल्फ. प्लांट्स. प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स. दे ग्रो फ्रॉम ग्राउंड एंड मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सनलाइट. सम प्लांट्स आर सुपर बिग लाइक ट्रीज एंड सम आर टाइनी लाइक मूस. प्लांट यूज वाटर, एयर एंड सनलाइट टू मेक फूड. पेड़ पौधे हमारे दोस्त हैं, जो धरती में उगते हैं और सूर्य की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं और बढ़ते हैं. कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं. प्लांट्स को बढ़ने के लिए हवा, पानी और रोशनी की जरूरत पड़ती है, जिससे वो अपना भोजन बनाते हैं. टाइप ऑफ प्लांट्स. अब हम पढ़ेंगे पेड़ों के प्रकार के बारे में. We see various type of plants around us. Most of the plants are green in color. They are in different shape and sizes. Some plants are non-green based on their size and shape. We can categorize them as. हम अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ पौधे देखते हैं. कुछ आकार में बड़े होते हैं, कुछ आकृति में अलग होते हैं. तो पेड़ क्या होते हैं, different shapes और sizes के होते हैं. कौन कौन से पेड़ होते हैं, पेड़ों को उनके साइज और शेप्स के अकॉर्डिंग अलग अलग भागों में, अलग अलग जातियों में बांटा गया है. प्लांट्स ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब, क्लाइंबर्स और क्रीपर, ये क्या है, पेड़ों के प्रकार है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रीज के बारे में, जिसे हम वृक्ष कहते हैं, जो बहुत बड़े होते हैं. बड़े, मजबूत और लंबे पेड़ों को क्या कहते हैं, हम ट्रीज कहते हैं. इनके मोटे ब्राउन भूरे रंग का तना होता है, जिसे हम ट्रंक कहते हैं. दे हैव मैनी ब्रांचेस एंड लीव्स. उनकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं और बहुत पत्ते होते हैं. देखिए कितना बड़ा है, उसका भूरे रंग का मोटा तना है, बहुत सारी शाखाएं हैं और हरे हरे पत्ते हैं. दीज ब्रांचेस ग्रो वेरी हाई. इनकी शाखाएं बहुत बढ़ती हैं और बहुत से एनिमल, गिलहरी, बंदर, चिड़िया सब कहाँ रहते हैं, इनकी शाखाओं में रहते हैं. बड़े बड़े पेड़ कौन से हैं, नीम, मैंगो, बेनियन, पाम एंड कोकोनट. ये क्या है, अलग अलग तरह के ट्रीज हैं. देखिए मैंगो, पीपल, बेनियन और गुलमोहर का कितना बड़ा पेड़ होता है, बहुत हैवी पेड़ होता है. अब हम पढ़ेंगे शब्स के बारे में. शब्स आर मच स्मॉलर देन ट्रीज विद वुडी स्टेम. दे हैव मेनी ब्रांचेस. दीज ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड. सम प्लांट्स लाइक रोज, कॉटन, सनफ्लावर, टी एंड हिबिकस आर शब्स. शब्स क्या होते हैं, पेड़ों की तुलना छोटे होते हैं. इनके भी तने होते हैं, वुडी स्टेम होती है और इनकी ब्रांचेस भी होती हैं, जो कहाँ बढ़ती हैं, जमीन के आसपास ही बढ़ती हैं. सूरजमुखी, गुलाब, चाय, हिबिकस का जो पेड़ होता है वो क्या है, शब्स का उदाहरण है. हर्ब्स. अब हम पढ़ेंगे हर्ब्स के बारे में. आपने कुछ ऐसे पेड़ पौधे देखे होंगे जो बहुत कोमल होते हैं, जिनके हरे और मुलायम तना होता है, आसानी से टूट जाता है. चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं. हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट. हर्ब बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं. इनके तने बहुत सॉफ्ट होते हैं, छोटे होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं. दे आर स्मॉलर देन शब्स. ये शब्स से छोटे होते हैं और हर्ब सिर्फ एक सीजन के लिए ही जीवित रहते हैं. धनिया, मूली, तुलसी, स्पेनिश मतलब पालक, वीट, मिंट, पुदीना, ये सब क्या है,
हर्ब्स है और कुछ हर्ब्स में दवाइयों के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। तुलसी, तुलसी का पौधा दवाई के रूप में काम आता है। जब आपको कोल्ड कफ होता है तो मम्मा क्या कहती है, तुलसी वाली चाय पी लो। क्लाइंबर्स, अब हम पढ़ेंगे क्लाइंबर्स के बारे में। वो पेड़ पौधे जिनको बढ़ने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता पड़ती है वो क्या कहलाते हैं, क्लाइंबर्स कहते हैं। द स्टेम ऑफ सम प्लांट आर वी, दे कैन नॉट मूव स्ट्रेट, दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड एंड स्ट्रेट एंड ग्रो, सच प्लांट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। मनी प्लांट, पी प्लांट, ग्रीन बीज एंड ग्रेप वाइन आर एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स। कुछ पेड़ पौधों के तने बहुत कमजोर होते हैं, वो अपने आप सीधे नहीं खड़े हो सकते, उन्हें बढ़ने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत, सहारे की जरूरत होती है, उसे हम क्लाइंबर्स कहते हैं। मनी प्लांट और अंगूर की बेल क्या है, क्लाइंबर्स का एक उदाहरण है। अब हम पढ़ेंगे क्रीपर्स के बारे में। क्रीपर्स आर प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, दे वीक स्टेम ऑफ क्रीपर लाई ऑन द ग्राउंड एंड गिव आउट थिन ब्रांचेस, लीव्स एंड यूजुअली बिग फ्रूट। वाटरमेलन, बॉटल गॉर्ड एंड पम्पकिन आर एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो धरती पर ही फैलते हैं, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते, इन पर बहुत भारी फल लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्रीपर। जैसे पम्पकिन और तरबूज की जो बेल होती है, ये बहुत भारी फल होते हैं इन पर, और ये जमीन पर ही इनकी बेलें पड़ती हैं। घिये की बेल भी जमीन पर ही पड़ती है। नाउ वी विल लर्न अबाउट पार्ट ऑफ प्लांट। जैसे हमारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसी तरह प्लांट्स के भी क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट हम पढ़ेंगे रूट, जड़, जिस जो कहाँ होती है, मिट्टी के अंदर होती है, पानी को ऑब्जर्व करती है और क्या देती है, पेड़ को मिनरल्स देती है। उसके बाद है स्टेम, तना, जो क्या हेल्प करता है, पौधे को सीधा खड़ा करने में हेल्प करता है और ये जड़ों से पानी प्राप्त करके पेड़ों को देता है। उसके बाद है ब्रांचेस, ब्रांचेस मतलब शाखाएं, शाखाओं पर क्या लगते हैं, फल लगते हैं, फूल लगते हैं और क्या लगते हैं, पत्ते होते हैं, हरे हरे रंग के पत्ते। देन फ्रूट्स, फ्रूट्स क्या होता है, फल, हम फ्रूट्स को खाते हैं और फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं, उन बीजों से नया पौधा जन्म लेता है। नाउ प्लांट, पेड़ों का सबसे सुंदर भाग फूल होता है। पेड़ों का जो फूल है वो डिफरेंट कलर्स का होता है और कुछ फूल किसमें बदल जाते हैं, वो बदल जाते हैं फ्रूट्स के रूप में। और लास्ट है लीव्स, लीव्स मतलब पत्ते, पत्ते क्या करते हैं, पेड़ों के लिए भोजन बनाते हैं। लीव्स को हम किचन ऑफ प्लांट्स भी कहते हैं, पेड़ों की रसोई जो उनके लिए खाना बनाती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, अब हम प्लांट्स की अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे। प्लांट्स आर एसेंशियल टू गिव अस इन मैनी वेज, देयर लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट एंड रूट्स प्रोवाइड अस विद फूड इंक्लूडिंग सीरियल्स, पल्सेस एंड वेजिटेबल। वी ऑल्सो ऑब्टेन स्पाइसेस लाइक टर्मरिक, कार्डमम एंड लीव्स फ्रॉम देम। पेड़ अनेक तरह से हमारी हेल्प करते हैं, पेड़ों की फूल, पत्ती, फल से हमें भोजन मिलता है, हमें गेहूं, दाल, चावल, अनाज किससे मिलता है, पेड़ों से मिलता है, पेड़ों से हमें मसाले मिलते हैं और ऑयल भी मिलता है। एडिशनली प्लांट्स गिव अस वुड, सम ट्रीज लाइक द बनियन एंड नीम कैन लिव फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर, व्हाइल अदर्स सच एज पीस, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल एंड राइस लिव फॉर ओनली अ फ्यू मंथ। कुछ पेड़ पौधे हमें लकड़ियां देते हैं और जैसे कि बेनियन ट्री है जो बहुत बड़ा होता है, हजारों वर्षों तक जीवित रहता है, लेकिन कुछ पौधे जल्दी ही क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जैसे मटर का, गोभी का और चावल का पेड़, ये कुछ ही महीनों के लिए ही मिलते हैं। नाउ टाइम टू हैव अ लुक ओवर। प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, प्लांट्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिफरेंट साइजेस होते हैं। बिग टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, बड़े मजबूत और लंबे पेड़ क्या कहलाते हैं, ट्रीज। शब्स छोटे होते हैं पेड़ों की तुलना। हर्ब्स मेडिसिन में यूज होते हैं।
क्रीपर कहाँ उगते हैं? जमीन पर उगते हैं, और हमें पेड़ों से क्या मिलती है? ऑक्सीजन, जिससे हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. नाउ टाइम टू डू सम एक्सरसाइज. नंबर वन, चूज द करेक्ट ऑप्शन. सही ऑप्शन को चुनिए. नंबर वन, डैश नीड सपोर्ट्स टू ग्रो अपवर्ड. कौन से पेड़ को सपोर्ट, सहारे की जरूरत होती है बढ़ने के लिए? ट्रीज, क्लाइंबर, क्रीपर्स या शब. तो करेक्ट ऑप्शन है क्लाइंबर. नंबर टू, प्लांट आर वेरी डैश टू अस. प्लांट हमारे लिए क्या है? बहुत यूजफुल, बहुत फायदेमंद है. नंबर थ्री, विच पार्ट ऑफ द प्लांट मेक फूड. प्लांट का, पौधे का कौन सा भाग खाना बनाता है? रूट, रूट स्टेम या लीव्स. तो करेक्ट ऑप्शन है लीव्स. पत्तियां पेड़ों के लिए भोजन बनाती है. नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प ऑफ. नंबर वन, प्लांट्स आर इन डिफरेंट शेप्स एंड प्लांट्स डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइजेस के होते हैं. SIZES. नंबर टू, अ ट्री हैज वुडी स्टेम कॉल्ड. ट्री की जो वुडी स्टेम, लकड़ी का जो मोटा तना होता है, वो क्या कहलाता है? वो ट्रंक कहलाता है. TRUNK, ट्रंक. नंबर थ्री, डैश आर वेरी स्मॉल प्लांट. ये बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं. करेक्ट ऑप्शन है HERBS, हर्ब्स. नंबर फोर एंड नंबर फाइव यू विल डू बाय योरसेल्फ. नाउ एक्सरसाइज सी, मैच द फॉलोइंग. सही मिलान करिए. कॉलम ए है, कॉलम बी है, आपको मैचिंग करनी है. नंबर वन, मिंट प्लांट. नंबर टू, लीव. वाटरमेलन, नीम. मिंट प्लांट, पुदीने का पेड़. ग्रीन पार्ट, क्रीपर, ट्री या हर्ब. तो मिंट प्लांट क्या है? हर्ब है. लीफ, लीफ क्या है? पौधे का हरा भाग. तो हम इसे ए से मिलाएंगे. वाटरमेलन क्या है? क्रीपर है या ट्री है? वाटरमेलन क्रीपर है. और नीम, ट्री, नीम का पेड़ होता है, बहुत बड़ा. नीम, नीम का पेड़ होता है जो बहुत बड़ा होता है. सो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एंड द थिंग्स व्हिच वी गेट फ्रॉम प्लांट. I hope you like this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye-bye.